सर, मैं विक्की सक्सेना हिंदुस्तान टीवी न्यूज से। सर हम आज हम पांडे जी की दुकान पे आए हुए हैं पांडे मिष्ठान में, और सर से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जैसे अभी कांग्रेस का जोर भारी है या कहते हैं बीजेपी का जोर भारी है, किसका? ये तो ऐसा है कि खटीमा के लिए जो है एक सौभाग्य का विषय है कि जो सीएम साहब का चुनाव हो रहा है खटीमा क्षेत्र से, हमारी 70 की विधानसभा है, ये लास्ट जो है बॉर्डर क्षेत्र में पड़ती है, और यहाँ का सीएम चुन के जाएगा ये बहुत बड़ी बात हमारे क्षेत्रवासियों के लिए है। बाकी विधायक रहते भी हमारे सीएम साहब ने काफ़ी काम किए हैं, छोटे काम बड़े काम या हर किसी से मिलना जुलना जो है, रोडों का जो है गांव में जाल सब बिछा हुआ है, बहुत बढ़िया किया है। और वर्तमान में तो काफ़ी बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, जैसे हमारा चक्रपुर में स्टेडियम बनने को है जी, और ये कॉरिडोर पार्क है, यहाँ जो क्रोकोडाइल पार्क जो है वो अभी चालू हो रहा है, काफ़ी खटीमा क्षेत्र में जो है इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आगे होगा। बाकी अपना हाईवे नया बन रहा है सर, जैसे अगर बीजेपी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बहुमत से यहाँ से निकल जाती है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार कौन होगा? नहीं, ये तो हमारे मोदी जी ने पहले ही नाम की घोषणा कर रखी है कि सीएम धामी जी होंगे, पुष्कर सिंह धामी जी होंगे, पुष्कर सिंह धामी जो दोबारा सीएम होंगे, ये तो पहले घोषणा हो रही है। तो धामी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है जी, और काफ़ी गढ़वाल क्षेत्र का कहीं भी जो है काफ़ी जन समर्थन सैलाब उमड़ रहा है, और ये बाकी वोट में कितना कन्वर्ट होता है ये तो हर आम जनता के उसमें हुआ। इस बार भुवन कापड़ी जी की भी काफ़ी जोर शोर से रैली निकली, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, कापड़ी जी भी अच्छे प्रत्याशी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच के आदमी वो भी हैं। और खटीमा तो पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था जी, ये तो पिछले 10 साल से एक गढ़ अब बीजेपी का बन गया है, वो भी समर्थन उनको भी मिल रहा है, टेम्पो में भर भर के ले जा रहे हैं, रैली कर रहे हैं, सब बातें हैं, लेकिन 70-30 का आंकड़ा रहेगा, 70-30 का आंकड़ा रहेगा जी। खटीमा क्षेत्र में माननीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के समर्थन में काफ़ी जनसैलाब है, बाकी अब वोट है हर आम आदमी की क्या होती है उनकी अपनी जिज्ञासा, लेकिन हम घूम रहे हैं ऐसा पता लगता है कि मतलब हर कोई आदमी मुख्यमंत्री को चुनने के लिए आतुर है। रमेश चंद्र पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हिंदुस्तान टीवी को अपना अमूल्य समय दिया, और मैं हिंदुस्तान टीवी न्यूज़ से कैमरामैन मोहन नेगी जी के साथ, धन्यवाद।